রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য ত্রিপুরাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দলের রাজ্য প্রভারী বিনোদ সোনকর। তিনি রবিবার রাজ্যে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, যারা ত্রিপুরাকে বদনাম করতে চেয়েছিল রাজ্যবাসী এর যোগ্য জবাব দিয়েছে। বিজেপির জন্য এটা বড় আশীর্বাদ বলে তিনি জানিয়েছেন। এই দলের প্রতি আস্থা রয়েছে রাজ্যবাসীর বলে তিনি জানান। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत से एक बड़ा परिणाम और एक बड़ा आशीर्वाद मिला है। और साथ ही साथ कुछ लोग थे जो त्रिपुरा को बदनाम करना चाहते थे, त्रिपुरा की शांतिप्रिय जनता को, त्रिपुरा की सम्मानित जनता को कुछ लोग प्रदेश के बाहर देश में अन्य कोनों में बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन त्रिपुरा की जनता ने जो परिणाम दिया है ऐसे लोगों को स्पष्ट संदेश और स्पष्ट करारा जवाब है कि त्रिपुरा की जनता शांति है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है और इस प्रकार के जिस प्रकार का हिंसा और क्या करके बदनाम करने का कोशिश की है वो लोग सफल नहीं हुए। सर आज तक आप लोगों का जो जयी हुआ देखिए, ये पार्टी की अपनी व्यवस्था है। आज हम लोग आए हैं तो सारी चीज़ें जो बची है वो प्रक्रिया को पूरा करेंगे और साथ ही साथ चुनाव को अभी खत्म में बहुत समय नहीं हुआ है। जो निर्वाचित हुए उनका सम्मान भी होगा, उनका शपथ भी होगा और जो बाकी प्रक्रिया उसको भी पूरा किया जाएगा। सर अभी तक ऐसा सिलेक्शन हुआ है सर, मेयर का नाम जानना चाहता है सारी दुनिया। सारी दुनिया को प्रदेश के साथ साथ सारी दुनिया जानना चाहती है। आज पार्टी की बैठक है, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार के चर्चा करके हमने 334 वार्डों में नाम तय किया था उसी प्रकार उनका भी नाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से इस पर चर्चा करके कोई नाम तय किया जाए। सर विधायक सुदीप राय के लिए मैंने जो इलेक्शन की उसके पहले एक प्रेस मीट किया था उसके बारे में बीजेपी ने पार्टी बोला था कुछ एक्शन लेंगे, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पार्टी की तरफ से सर बोला गया था कि इलेक्शंस के बाद ये लिया जाए, एक्शन लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोकतांत्रिक ढंग से काम करती है, उस लोकतांत्रिक ढंग से जब और जो करने की आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।